बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया, कभी कमरे में खोजता तो कभी बाड़े तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चे की मदद लेगा और उसने आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई घड़ी खोज देगा उसे 100 रुपये इनाम में दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर देकर इस काम में लग गए। वे हर जगह खोजने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में हर जगह पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूँगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देख प्रसन्न हो गया और अचरज से पूछा, बेटा कहाँ थी ये घड़ी, और जहाँ हम सभी असफल हो गए तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला। लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाज़ा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। फ्रेंड्स, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें लाइफ की जरूरी चीज़ें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए जिसमें हम बिल्कुल अकेले हो, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सके और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सके, तभी हम लाइफ को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।